नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट द स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में पेंटर जनरल ट्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उसके सभी प्रश्नों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे। दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि मेरी वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, कौन सा पेंट जहरीला हो सकता है यदि इसे बंद जगह में कर दिया जाए। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए लेकर पेंट, ऑप्शन नंबर बी लेटेक्स पेंट, ऑप्शन नंबर सी QDE पेंट या ऑप्शन नंबर डी एक्रेलिक्स पेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर लेकर पेंट को बंद जगह पे कर दिया जाए तो यह जहरीला साबित हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो, फ्लैकिंग पेंट क्या होता है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पेंट का बहना, ऑप्शन नंबर बी पेंट का मोटा होना, ऑप्शन नंबर सी पुराने पेंट का क्रैकिंग और ब्लिस्टरिंग होना, ये ऑप्शन नंबर डी पेंट का परत में निकलना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरानी पेंट का क्रैकिंग और ब्लिस्टरिंग होना फ्लेकिंग कहलाता है। दोस्तों, यहाँ फ्लेकिंग पेंट नहीं होगा, फ्लेकिंग होगा, पेंट नहीं होगा। पुराने पेंट का क्रैकिंग और ब्लिस्टरिंग होना फ्लेकिंग कहलाता है। और पुरानी पेंट की परत उखड़ने से पहले क्रैकिंग और ब्लिस्टरिंग होना फ्लेकिंग कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा, सिडनी ओपेरा हाउस के बाहरी आवरण का रंग कैसा है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी गुलाबी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी लाल या ऑप्शन नंबर डी आसमानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलाबी ग्रेनाइट। सिडनी ओपेरा हाउस का बाहरी आवरण का कलर गुलाबी ग्रेनाइट है। दोस्तों, जो सिडनी ओपेरा हाउस है यह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। इसका निर्माण डेनिस वास्तुकार जॉर्ज उत्जान ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज उत्जान ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसने किया था? जॉर्ज उत्जान ने, उत्जान। ये कहाँ थे? ये डेनिस वास्तुकार थे। यह 1973 में बना था, 1973 में सिडनी ओपेरा हाउस बना था। इसके लिए उनको 2003 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार, फ्लैश पॉइंट क्या है। प्रश्न नंबर चार क्या है, फ्लैश पॉइंट क्या है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पेंट की अधिकतम चमक, ऑप्शन नंबर बी पेंट की न्यूनतम चमक, या ऑप्शन नंबर सी जिस तापमान पर पेंट बहना शुरू हो जाता है, या ऑप्शन नंबर डी जिस तापमान पर पेंट आग पकड़ ले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिस तापमान पर पेंट आग पकड़ ले उसे फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पाँच, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए येलो, ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी रेड या ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। दोस्तों, बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर छः, कौन सा पेंट ज़्यादा समय तक अल्ट्रा वायलेट किरणों और केमिकल से बचा सकता है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए लेकर पेंट, ऑप्शन नंबर बी इनेमल पेंट, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई भी नहीं, या ऑप्शन नंबर डी एक्रेलिक पेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनेमल पेंट। जो दोस्तों इनेमल पेंट रहता है वह अल्ट्रा वायलेट किरणों से और केमिकल से काफ़ी ज़्यादा समय तक बचा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर सात, पेंट करने के दौरान पिगमेंट के कण अलग अलग होना क्या कहलाता है। इसके ऑप्शन हैं, फ्लोटिंग, ऑप्शन नंबर बी सेपरेटिंग, ऑप्शन नंबर सी डिवाइडिंग या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोटिंग। पेंट करने के दौरान पिगमेंट के कण अलग अलग अगर हो रहे हैं तो फ्लोटिंग कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आठ, किस पेंट फिनिश को छत में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन हैं इसके, ऑप्शन नंबर ए टेक्सचर्ड फिनिश को, ऑप्शन नंबर बी रोलर फिनिश, ऑप्शन नंबर सी डीको फिनिश या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डीको फिनिश। डीको फिनिश को कभी
छत में नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9, थिनर तारपीन केरोसिन क्या है? इसके ऑप्शंस हैं फ्लो, ऑप्शन नंबर बी व्हीकल, ऑप्शन नंबर सी वार्निस स्टेन, या ऑप्शन नंबर डी एस्टलीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्हीकल। थिनर तारपीन केरोसिन ये सारे व्हीकल में आते हैं। और व्हीकल होता क्या दोस्तों, किसी भी प्रकार का सॉल्वेंट या ऑयल जिसे पेंट घुला हो वह व्हीकल कहलाता है। किसी भी प्रकार का सॉल्वेंट या ऑयल जिसमें पेंट घुला हो या पेंट को घोल सकते हो वह व्हीकल कहलाता है। जितने भी सॉल्वेंट होते हैं, थिनर तारपीन का तेल, केरोसिन, ये सारे सॉल्वेंट में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्हीकल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10, अ मल्टी कंपोनेंट्स पेंट ड्राइड बाय। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए सॉल्वेंट एवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर सी केमिकल रिएक्शन, या ऑप्शन नंबर डी कोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केमिकल रिएक्शन। जो मल्टी कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टी कंपोनेंट्स बोले तो बहुघटक, जिसमें ऐसा पेंट जिसमें बहुत सारे घटक हों, वह पेंट कैसे सूखता है ये पूछा जा रहा है। ऐसा पेंट जिसमें बहुत सारे घटक हों, मल्टी कंपोनेंट्स हों, वह पेंट कैसे सूखता है? तो वह केमिकल रिएक्शन से सूखता है, मतलब कि रासायनिक क्रिया से सूखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11, लकड़ी पर गड्ढे को बिना भरे हुए पेंट करना जिससे एक समान पेंट ना हो क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए वेदरिंग, ऑप्शन नंबर बी विदरिंग, ऑप्शन नंबर सी फेडिंग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेदरिंग, ना कि वेदरिंग। वेदरिंग होता मौसम, वेदरिंग मौसम से रिलेटिव दोस्तों, जो बी रहता है वो रहता है वेदरिंग। तो लकड़ी पर गड्ढे को बिना भरे हुए पेंट करना वेदरिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, गोल्ड लीप टेस्ट इज यूज्ड फॉर। जो गोल्ड लीप टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एडिजन के लिए, ऑप्शन नंबर बी ड्राइंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी रेसिडुअल टास्क के लिए, या ऑप्शन नंबर डी डस्ट डिटेक्शन के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेसिडुअल टास्क के लिए। जो गोल्ड लीप टेस्ट होता है, गोल्ड लीप टेस्ट, वह रेसिडुअल टास्क के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13, सतह को जंग से बचाने के लिए उस पर लगाया जाने वाला हल्का हरा या पीला रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी जिंक क्रोमेट, या ऑप्शन नंबर सी कॉपर ऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी सल्फर आयोडाइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिंक क्रोमेट। दोस्तों जो सतह से जंग को बचाने के लिए उस पर लगाया जाने वाला हल्का हरा या पीला रंग जो होता है उसको जिंक क्रोमेट बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14, इपॉक्सी पेंट कैसे सूखती है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए संगीकरण से, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक बचाव से, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेशन से, या ऑप्शन नंबर डी सॉल्वेंट के उड़ने से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेशन से। इपॉक्सी पेंट हमेशा ऑक्सीडेशन से सूखती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 15, पेंट करने के दौरान पेंट से छोटे आकार के छींटे आना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन नंबर बी डॉट्स, या ऑप्शन नंबर सी स्पैटर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्पैटर। पेंट करने के दौरान जो पेंट से छोटे छोटे छींटे आते हैं उसे स्पैटर कहते हैं। तो दोस्तों आज के इतने क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए थे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।